हेलो फ्रेंड्स, नित्या टेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से केस स्टडी लेके आया हूँ जो एसर का है। मदरबोर्ड का पार्ट नंबर है LADS 7912P। को पहले इसका प्रॉब्लम दिखा दूँ। जैसे इसमें अडेप्टर लगाते हैं तो इसमें देखिए पावर सप्लाई में कंजप्शन है 0008, ठीक है। अब इसको ट्रिगर करते हैं। ट्रिगर करने के बाद कंजप्शन आता है इसका 366 340 समथिंग, और इसमें डिस्प्ले नहीं आएगा इसलिए कि इसका कंजप्शन अभी कम है। एक तरह से समझ लीजिए कि मदरबोर्ड अभी आधा ही ऑन हुआ है, ये मदरबोर्ड अभी पूरा ऑन हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में आप कैसे डायग्नोस करेंगे, ऐसे केस को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें अभी कौन कौन सी सप्लाइयाँ बन रही है। जब ये आधा ऑन हो रहा है तो आधा ऑन में कौन कौन सी सप्लाई बन रही है, चलिए मैं सारा सप्लाई आपको चेक करा देता हूँ। देखिए यहाँ पे इसकी तीन कॉयल है, तो इसमें एक कॉयल 3.3 वोल्ट का है जो कि आ रहा है 3.395, दूसरा कॉइल है 5 वोल्ट आ भी रहा है 5.02, ठीक है। इसका ये वाला कॉइल 1 वोल्ट, ठीक है। इसकी दो कॉइल इधर भी है, यहाँ और यहाँ, इस पे चेक कर लेता हूँ 1.5 वोल्ट। इस कॉइल पे नहीं बन रहा है। इसके अलावा दो कॉइल इधर भी है 0.26, एक्चुअली ये नहीं बन रहा है, ये भी कोई नहीं है। इस वाले पे 1 वोल्ट, ठीक है। तो इस पे 1.5 वोल्ट, इस पे है 0.960, इस पे भी है 0.960, ठीक है। मतलब कि सबसे पहले आप ये कंसीडर करके चलिए कि इसका जो कोर है ये कोर का कॉइल नहीं बन रहा है। तो ऐसे केस को आप कैसे डील करेंगे, तो देखिए ऐसे केस में तो पहले जो भी सप्लाई बन रहा है ना उसका कन्वर्जन चेक कर लीजिए। आपको पता होगा कि कोर तभी बनता है जब सारी सप्लाइयाँ बन जाती है। कोई भी सप्लाई मिसिंग रहेगा तो कोर नहीं बनेगा, ठीक है। कोर को बनने के लिए आपको सारी सप्लाई बन जाना चाहिए, सारा कन्वर्जन हो जाना चाहिए, तभी कोर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है एक एक ए और एक ए, ये तीन कन्वर्जन लगा हुआ है। तो सबसे पहले इसका कन्वर्जन चेक करिएगा कि जो तीनों कन्वर्जन है, तीनों कन्वर्जन का इनपुट और आउटपुट दोनों एक जैसा है। तो इसको चेक कर लीजिए, देखिए इधर भी 1.5 वोल्ट, इधर पे 1.5, सेम टू सेम। इसका भी चेक कर लीजिए 5 वोल्ट, इसके इस तरफ सेम टू सेम 5 वोल्ट। इसका भी चेक करिए 3.3 वोल्ट, इसके इस साइड 1.8 वोल्ट। देखिए इसका इनपुट है 3.3 वोल्ट, इसका आउटपुट 1.8। ये जो मॉसफेट है ये है U21। तो हम लोगों को अभी U21 में प्रॉब्लम मिला। इधर देखिए 3.3 वोल्ट और इसके इस तरफ 1.8 वोल्ट, जो कि ये गलत है। इसको भी 3.3 और इधर भी 3.3 होना चाहिए। चलिए इसका PDF में दिखा दूं मैं पहले आपको। देखिए ये वाला है U21, ठीक है। तो U21 है 3 वोल्ट ऑलवेज टू 3 वोल्ट VS। इसमें क्या है कि ड्रेन पे 3 वोल्ट ऑलवेज आएगा और सोर्स से 3 वोल्ट VS क्रॉस करेगा, ठीक है। इसका गेट हाई होना चाहिए, मतलब गेट पे 3 वोल्ट से ज़्यादा आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, देखिए U21 के ड्रेन ड्रेन पे कितना है 3.3, इसके सोर्स पे 1.8। गेट कितना वोल्ट होना चाहिए, कम से कम 3 वोल्ट से ज़्यादा। तो इसका गेट पे कितना वोल्ट है, गेट पे है ही नहीं, गेट पे है 0 वोल्ट। अब ये गेट पे वोल्ट नहीं आ रहा जिसकी वजह से क्रॉस नहीं कर रहा है। तो गेट पे वोल्टेज कहाँ से आएगा, U21 जो है ड्रेन टू सोर्स कब पास करेगा, जब इसका गेट पे हाई आएगा, हाई लॉजिक आएगा। हाई लॉजिक कहाँ से आएगा, प्लस VSB से। लेकिन इसका कंडीशन क्या है कि यहाँ पे एक मॉसफेट लगा हुआ है, इस मॉसफेट को ऑफ होना चाहिए। जब तक ये मॉसफेट ऑफ नहीं होगा तब तक यहाँ पे वोल्टेज पास नहीं करेगा। अब इसको ऑफ होने के लिए इसके सोर्स पे जो है SP है वो लो लॉजिक होना चाहिए, यानी कि पिन नंबर 5 के ऊपर आपको लो लॉजिक होना चाहिए। हम लोगों को कौन कौन सा पिन चेक करना है, 4, 5 और 3। 4 ग्राउंड है, 5 पे लो लॉजिक होना चाहिए और 3 पे 20 वोल्ट। देखिए ये है Q25। सबसे पहले तो Q25 का हालत देखिए, हालत ही बहुत गंभीर है, ठीक है। इसका हालत गड़बड़ है, फिर भी इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे निशान लगा हुआ है, यहाँ पे निशान से पिन नंबर 1, 2 और 3। पिन नंबर 3 पे हम लोगों को क्या चाहिए, 19 वोल्ट, जबकि यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। पिन नंबर 4 ग्राउंड है, अब पिन नंबर 5 के ऊपर लो आना चाहिए। पिन नंबर 5 पे लो है, फिर भी पिन नंबर 3 से कोई भी आउटपुट नहीं निकल रहा है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग, पहले तो इसको हम लोग क्लीन करेंगे। इसको क्लीन कर दिया हूँ, दोबारा से इसको ऑन करके देख लेता हूँ क्या क्लीन करने से कुछ बात बना या कुछ और भी करना पड़ेगा इसमें। अब क्या हुआ कि पावर ऑन करने के बाद कंजप्शन बढ़ गया इसकी। अब वोल्टेज चेक कर लेता हूँ, पहले कितना आता था ड्रेन के ऊपर, देखिए इधर है ड्रेन, ड्रेन पे 3.3,
इधर है सोर्स, सोर्स पे 3.3। अब इसका आ गया गेट, गेट पे कितना वोल्ट है? पहले क्या था कि गेट के ऊपर वोल्टेज ही नहीं आ रहे थे, इसके वजह से पासिंग नहीं कर रहा था। पासिंग मतलब कहीं से भी 2 वोल्ट 2.5 वोल्ट अपना ले आ रहा था, लेकिन उससे काम बनना नहीं है। जो भी अगर हमको एग्जैक्ट जितना वोल्टेज चाहिए उतना आएगा तो ही काम करेगा। पहले था कि ड्रेन के ऊपर अगर आप चेक करते तो ड्रेन पे आता था 3.3 वोल्ट, लेकिन सोर्स पे आता था 1.8 वोल्ट, लेकिन अब आने लगा 3.3 वोल्ट। 3.3 वोल्ट आने की वजह से मदरबोर्ड कंटिन्यूअस ऑन हो गया और इसकी कंजप्शन भी हाई हो गई। पहले कंजप्शन कितना था? 300 समथिंग, अब आ गया 1.152, मतलब 1 एम्पियर से भी ज़्यादा कंजप्शन ले रहा है। और इसकी डिस्प्ले भी मैं चेक करा देता हूँ कीबोर्ड लगा के, इसमें कीबोर्ड लगा लेता हूँ। ठीक है, कीबोर्ड लगाने के बाद दोबारा से एक बार ऑन करके चेक करता हूँ आपको और आपको दिखाता हूँ। ये इसका पावर बटन है, ऑन होने के बाद कंजप्शन हाई हुआ और यहाँ पे देखिए नमलॉक बटन जल रहा है, काम करने लगा, डिस्प्ले इसका आ गया। तो आप देखें इसमें कि एक छोटी सी प्रॉब्लम था इसमें। प्रॉब्लम क्या था? डस्ट लगा हुआ था इसमें, रस्टिंग लगी हुई थी, जिसकी वजह से कन्वर्जन सही नहीं हो रहा था। क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट चेक करेंगे तो आपका एक छोटा प्रॉब्लम बहुत ही इजी वे में सॉल्व होगा, और इसमें किसी भी टाइप का कोई कंपोनेंट नहीं लगेगा। बस 5 मिनट समय दीजिए, आपका मदरबोर्ड रेडी। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ अभी और मैं इसमें दिखाना चाह रहा हूँ कि आप इसमें जैसे ही एडेप्टर लगाते हैं, एडेप्टर लगाते के बाद साथ ये 1.66 mA का कंजप्शन ले रहा है, जो कि सही नहीं है। ये कंजप्शन सही नहीं है, ये ज़्यादा ले रहा है। तो ज़्यादा क्यों ले रहा है? कहीं कोई ना कोई इसका पासिंग अभी बाई डिफॉल्ट हो रही होगी, जिसकी वजह से ये कंजप्शन इतना ज़्यादा ले रहा है। तो पहले चेक कर लेता हूँ किसी का पासिंग अभी भी इनेबल है क्या। एक्चुअली ये वाला है 3.3 वोल्ट, ये जो है ये इसकी पासिंग इनेबल है, जिसके वजह से 168 mA कंजप्शन ले रहा है। ये जो है अभी U21, आप यहाँ पे देखिए U21 को, ये जो है U21, इसके देखिए सोर्स के तरफ भी 3.3 आ रहा है और ड्रेन के तरफ भी 3.3 आ रहा है। मतलब अभी इसका जो साफ करने के बाद ऑन तो हो गया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम अभी भी रह गया, जिसके वजह से दिक्कत है। या तो इसका कोई रजिस्टर वगैरह सड़ गया होगा, जो भी होगा। अब इसको एक बार बाहर निकाल के चेक करके देखता हूँ क्या अपडेट है इसका। आप इसको ध्यान से देखिए, इसको मैंने निकाला तो इसमें से इसका जो है, इसका एक पिन, यहाँ का जो पिन दिख रहा है, ये पिन टूटा हुआ है, ये पिन ही नहीं है, इसमें सड़ के टूट गया है। चलिए इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। अगर आप रिपेयर का वर्क कर रहे हैं तो आपके पास स्क्रैप बोर्ड का होना बहुत जरूरी है। स्क्रैप बोर्ड से इजी वे में सामान मिल जाते हैं। मैं इसमें से निकाल लूंगा। एक्चुअली ये मॉस्फेट है, इसको आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर सेम बोर्ड का स्क्रैप है तो अच्छी बात है, ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको। फैन बंद करिए, फैन बंद करिए तो फटाक से। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया मॉस्फेट को, मॉस्फेट को चेंज कर दिया। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो डीसी कंजप्शन है नॉर्मल हो गया, पहले ज़्यादा ले रहा था, ठीक है, अब नॉर्मल हो गया। नॉर्मल हो गया तो अब एक बार ऑन करके भी देख लेता हूँ, कंजप्शन बढ़ गया, इसमें डिस्प्ले आ गई होगी। डिस्प्ले भी एक बार दोबारा से चेक करा दे रहा हूँ मैं, नमलॉक बटन ऑन काम करने लगा, मतलब इसकी डिस्प्ले आ गई। तो आप कभी भी किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप समझ के करिएगा तो आपका केस 100% सॉल्व होगा। फिर मिलेंगे हम लोग नए केस स्टडी में।